हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज की नई वीडियो फ्रेंड्स बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, कैसे आप भी अपने रेडमी के मोबाइल में फ्रेंड्स फोटो या वीडियो को आप अपने गैलरी से हाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में फोटो या वीडियो फ्रेंड्स आप कुछ भी हाइड करना चाहते हो फ्रेंड्स, कैसे हाइड कर सकते हो आज की वीडियो में फ्रेंड्स यही बात करने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले आइकन पर क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटो वीडियो कैसे हाइड कर सकते हैं हम फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में भी गूगल वाली फाइल है तो फ्रेंड्स इस वाली फाइल को आपको ओपन कर लेना जो आपकी गूगल फाइल है। आपके फ़ोन में भी होगी, आप इसी को यूज़ भी कर रहे होगे, और आपने नहीं कर रहे इसको यूज़ तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे सेव फोल्डर बना लेना है। तो पहले मैं आपको सेव फोल्डर बनाना बता देता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप पिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का पिन सेट करना पड़ेगा फोटो वीडियो को हाइड करने के लिए। और फ्रेंड्स पैटर्न पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 5 डॉट्स का पैटर्न चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं कुछ 4 डॉट्स का पैटर्न यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं इस फोल्डर को नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स मैं पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, आप पिन भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 4 डॉट्स है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दोबारा से पैटर्न को ड्रॉ करना है। और फ्रेंड्स आपको अपना पैटर्न याद रखना और पासवर्ड भी, अगर आप इसको भूलते हो तो फिर अपनी फोटो वगैरह को आप हाइड करने के बाद अनहाइड नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स क्लिक करेंगे फोटोज़ को, सेलेक्ट करेंगे कैमरा फोटोज़ को, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 4 फोटोज़ को हाइड कर रहा हूँ 3 डॉट पे क्लिक करके मूव टू सेव फोल्डर पे। और यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद आपके गैलरी से ये 4 फोटोज़ हाइड हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स क्लिक करेंगे वीडियो पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो वीडियो है ये 2 वीडियो यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ अपनी गैलरी से। और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 वीडियो मेरी हाइड हो जाएगी गैलरी से, आप देख सकते हो यहाँ से 2 वीडियोस हट चुके हैं। व्यू पे क्लिक करके आप अपनी फोटो वीडियो को चेक कर सकते हो जो भी आपने हाइड करी अपने फ़ोन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप उस वीडियो फोटो को चेक कर सकते हो, यहाँ पे वो फोटो आपकी और वीडियो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी जो भी आपने हाइड कर रखी है। और एक और बात फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियो, तो अगर आप ऑडियो पे भी क्लिक करोगे तो आप इनको भी हाइड कर सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करके मूव टू सेव फोल्डर पे। पैटर्न को ड्रॉ करते हुए आपकी ऑडियो भी हाइड हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने सेव फोल्डर को देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये फोल्डर भी हाइड हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आप हाइड फोल्डर और सेव फोल्डर को नहीं देख सकते, तो आप इस पर क्लिक करके पहले इसको शो कर देना। और अब आपको कोई फोटो या वीडियो अनहाइड करनी है दोस्तों, 1 by 1 भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सारी की सारी एक ही बारी में हो जाए तो ऑल सेलेक्ट कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक करके मूव आउट टू सेव फोल्डर कर दोगे फ्रेंड्स, आपकी वीडियो अनहाइड हो जाएगी फोटो भी। और आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो वापस आ गई जो फोटो भी हमने हाइड करी थी रिसेंट में, और दोस्तों ये वाली वीडियो भी वापस आ गई है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपकी फोटो वीडियो हाइड और अनहाइड हो जाएगी अगर आप करना चाहते हो। और फ्रेंड्स एक खास बात, अगर आप बाई मिस्टेक अपनी फाइल का क्लियर कैच और क्लियरटा वगैरह करते हो तो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपको पहले अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हटा लेना सेव फोल्डर से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कमेंट वगैरह भी मिले थे मेरे को, फोटोज़ वगैरह कह रहे थे सेव फोल्डर से डिलीट हो गई है, तो ये मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने सेव फोल्डर बना रखा है, फोटो वीडियो हाइड कर रखी है, तो अगर आप उसका क्लियर डाटा करते हो अपनी फाइल का तो आपका सेव फोल्डर डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ सेव फोल्डर डिलीट हो चुका है, मुझे इसको वापस से सेटअप करना पड़ेगा तब मैं फोटो वीडियो को हाइड कर सकता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।